हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज का मेरा वीडियो सुख शांति प्लांट पर है। सुख शांति का प्लांट बहुत ही अच्छा है, घर के लिए अच्छा भी माना जाता है। और ये मैं छोटा सा लेके आई थी, मैंने ये किसी मटके में लगा दिया। लंबा ये मटका मेरा ख़राब हो गया था तो मैंने इसी में लगा दिया था। और यह प्लांट पत्तों से भी अच्छा लगता है और उसमें जो फ्लावर आते हैं ना उससे भी बहुत डेकोरेटिव लगता है। छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं वाइट कलर के, और इसको प्रोस्पेरिटी का प्रतीक भी माना जाता है सुख शांति के प्लांट को। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, सुख शांति यानी घर में सुख समृद्धि लाने वाला। तो देखिए, अब मैं इसकी कटिंग कट करने जा रही हूँ क्योंकि मुझे इस प्लांट को बुशी बनाना है। तो मैं इसको कटिंग करूँगी और इससे मेरा, मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर पाऊँगी और ये मेरा बुशी भी हो जाएगा। कटिंग इसकी छोटी से छोटी चल जाती है और नीचे से जो पत्तियाँ होती हैं उनको रिमूव कर लेना होता है। और छोटी भी कटिंग लगाएंगे ना वो भी चल जाएगी, बस आपको उसको कोकोपीट में लगाना होगा। तो मैं इसको कोकोपीट में ही लगाऊंगी और इसको पिंच करती रहूँगी ताकि ये बुशी हो, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना, मुझे इसको ज़्यादा बुशी करना है। क्योंकि ज़्यादा ब्रांचेज होंगी तो ज़्यादा कलियाँ आएंगी, फिर ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे। तो इस तरह से मैंने कोकोपीट में ही इसको लगाया है। आप इस तरह से छोटे छोटे जो डिस्पोजल्स होते हैं ना उनको यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये ट्रांसपेरेंट होते हैं तो जब इसकी रूट्स बनेंगी तो आराम से इसमें दिखेंगी, और वैसे भी इसमें छोटी जगह उसमें लगाऊँ तो अच्छे से चल जाता है। थैंक यू।